ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में या इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको वो क्या दे रहा है, आपको वेलोसिटी दे रहा है। कितनी दे रहा है? ए इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। अब आप सोच रहे हो वेलोसिटी तो दे रहा है, वेलोसिटी एक्स पे डिपेंडेंट है, फिर ए क्या चीज़ है? अलग से बता रहा है ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो क्यों ना ऐसा लिख लें, वेलोसिटी की वैल्यू इज 5 एक्स रेज टू पावर कितनी, 3/2। वेलोसिटी दे रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, गलत है, यहाँ पे लिखो वर्क डन आएगा। वर्क डन पूछ रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 मीटर तक कितना वर्क डन बॉडी ने किया। समझ में आ रहा है? तो हमने बॉडी पे कितना वर्क डन किया ये कैलकुलेशन करनी है। पहली चीज माइंड में ये आती है अगर मैं स्टूडेंट होऊंगा कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही आता है। फिर फोर्स को मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन में डिफ्रेंशिएट करके निकाल लूंगा। बड़ा लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है, बोलो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्या कहती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। अब एनर्जी काइनेटिक होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो एक्स की जगह 2 पुट कर दें, वेलोसिटी v2 आ गई। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्स की जगह 0 पुट कर दें, वेलोसिटी आ गई। क्या स्टेप क्लियर है? तो वेलोसिटी v2 v1 आ गई। तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी होगी हाफ एम वी टू स्क्वायर। इनिशियल क्या होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, मास आपको गिवन है तो यही किया हुआ है, हाफ एम वी टू स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी तो 0 ही है बिकॉज एक्स 0 है। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना लगाएं, आप इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएं। ठीक है यहाँ तक? तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको ये हमने क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ किया भी था लास्ट टाइम, पेंडुलम वाले क्वेश्चन किए थे हमने, ओके चलो ये भी करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि 10 मीटर लॉन्ग एक पेंडुलम है, राइट? तो ये देखो, तो एक पेंडुलम है और ये स्ट्रिंग है और ये 10 मीटर लंबा है। तो ये कितना है, ये 10 मीटर लंबा है, और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल है। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्वेश्चन है कि आपने इसको यहाँ से रिलीज किया, जब रिलीज किया नीचे आते 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 यहाँ पर आपको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मन में क्या आ रहा है, क्या लगाने की कोशिश करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम चल रहा है, सर्कुलर मोशन भी हमने किया, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। जो क्या कहता है कि यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, एंड यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? ओके, एक काम करते हैं, हम एनर्जी निकाल भी तो सकते हैं ना, तो एनर्जी निकालते हैं। ये देखो, एक लाइन खींच लेते हैं, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ से, इसकी हाइट। याद है हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हाइट निकालने का तरीका क्या बताया था, अगर ये एंगल 30 है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 10 है तो मान लो ये x है, तो cos 30 क्या है, x अपॉन 10, तो x क्या आएगा, 10 इंटू कॉस ऑफ 30। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? सही है यहाँ तक? तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, आपको हाइट निकालनी है। तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी। अब ये हाइट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 10 मीटर में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हाइट इज इक्वल टू 10 - 10 इंटू कॉस ऑफ 30। आपको याद है मैंने एक शॉर्टकट करवाया था कि अगर एक लेंथ एल है तो एल माइनस एल कॉस थीटा, याद आ गया? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू एच, काइनेटिक कितनी है, यहाँ से बॉडी चली 0, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0, और काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम जी एच। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एच की जगह क्या पुट करेंगे, 10 - 10 इंटू कॉस ऑफ कितना, 30। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो आपको सब कुछ गिवन है, मास से मास कैंसिल, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की। तो टेक्निक समझ में आ रही है, तो सर्कुलर मोशन की तो प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व की,
ऐसे तो करते थे सर्कुलर में। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पेंडुलम वाली प्रॉब्लम में एक ही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन है, वैरायटी दबा के इस चैप्टर में, मतलब कमाल की वैरायटी है, आज के लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा ये बात पक्की है। तो क्या कर सकते हैं, तो अगले दो तीन, क्योंकि चैप्टर बड़ा चैप्टर है ये, तो इसके अंदर आप वैरायटी देखते जाएं, रिवाइज करें। आपका मेथड एक ही होना चाहिए, आप घर जाके रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करें, डाउट मार्क करें, मेरे से डाउट क्लियर करें, फिर रिवाइज करें, नई प्रॉब्लम्स करें, डाउट करें। ये तीन स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं आपका, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सुनते हैं, घर जाके कॉपी जहाँ पढ़ी है वहीं पढ़ी है, और फिर रिवाइज नहीं करते, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते, फिर दो लेक्चर हो जाते हैं, फिर चीज़ें भूल जाते हैं, फिर दिक्कत आनी स्टार्ट, चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप रेगुलर पढ़ें आपको रिटेन भी करेंगे। तो ये एक नई टाइप की प्रॉब्लम है, रादर नई भी नहीं कहूँगा, ये पुराने टाइप की प्रॉब्लम है। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर किया था फोर्स, और फोर्स में किया था मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम है जिसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो, और मोमेंटम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। और कौन कौन से सिस्टम आइसोलेटेड हैं मैंने आपको बताए थे, लिस्ट भी बताई थी, कि जैसे एक गोली चलना और गन का पीछे आना, M1E1 M2V2, मोमेंटम कंजर्वेशन आइसोलेटेड सिस्टम है, इसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। बोट पे मैन का आगे चलना, बोट का पीछे आना, मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर मैंने बताया था कोलिजन होना, दो बॉल्स का टक्कर होना, मोमेंटम कंजर्वेशन। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास एक बॉल है M1 जिसकी वेलोसिटी क्या है U1, एक और बॉल है M2 वेलोसिटी क्या है U2, इनकी आपस में टक्कर हो जाती है M1 एंड M2 की, और टक्कर होने के बाद M1 की वेलोसिटी क्या हो जाती है V1, और M2 की वेलोसिटी क्या हो जाती है V2। तो क्या सिखाया था कि कोलिजन के केस में इनिशियल मोमेंटम बॉल्स का कितना है M1 U1 M2 U2, और फाइनल कितना है M1 V1 M2 V2। तो इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये रूल हमने सीखा था। रादर एक और भी एग्जाम्पल मैंने करवाया था, एग्जाम्पल था कि जैसे आपके पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास है M2, और ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। एक बुलेट है, बुलेट का मास M1 है और वेलोसिटी क्या है U1। मान लो एक बुलेट आती है और ब्लॉक लकड़ का है, उसके अंदर हिट करती है, उसके अंदर ही घुस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, और उस जो लकड़ का ब्लॉक है टेबल पे पड़ा हुआ है वो आगे चल पड़ता है, गोली लगते ही वो आगे चल पड़ता है, गोली इसके अंदर फंसी हुई है, राइट, क्लियर है? तो ये भी क्या है, कोलिजन का पार्ट है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन। तो हमने किया था कि हुआ क्या कि इसमें जब बुलेट इसके अंदर चली गई तो टोटल मास इस ब्लॉक का क्या हो गया, M1 प्लस M2, और ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद सम कॉमन वेलोसिटी। ऐसे ही केस किया था कि पहले एक बुलेट आया, ब्लॉक के अंदर घुस गया, और दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद कॉमन वेलोसिटी, और मैं कहता था फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो रूल वही है, क्योंकि कोलिजन का पार्ट है, इस टाइप की कोलिजन को नाम भी दिया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इसका नाम है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है जब दो बॉडीज की टक्कर होती है और उनकी सेपरेशन नहीं होती, एंड दे मूव एज अ कॉमन बॉडी, जब वो एक बॉडी की तरह मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्लियर है? पर चलो कोलिजन के बारे में आप इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि अगला चैप्टर कोलिजन का ही है, उसमें सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। पर अभी इतना समझ में आ रहा है कि इस गोली को लगने से पहले मोमेंटम कितना है गोली का, M1 U1, और ब्लॉक का मोमेंटम कितना है, जीरो। तो टोटल मोमेंटम आ गया, और बुलेट लगने के बाद टोटल मोमेंटम कितना है, M1 प्लस M2, और कॉमन वेलोसिटी VC। और अगर मैं कहूँ कॉमन वेलोसिटी निकालो, तो M1 U1 को किससे डिवाइड करेंगे, M1 प्लस M2। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाउ टू कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी याद आ रहा है? ऐसा एग्जांपल भी हमने किया था। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहले मैंने यही रिवाइज करवाया हुआ है इसमें, कि अगर एक बुलेट आ रहा है M विद अ वेलोसिटी ऑफ U1, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो बिफोर सिचुएशन ये है, आफ्टर में दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद सम वेलोसिटी, तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें दोनों की कोई सेपरेशन नहीं होती। और क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम M1 U1 प्लस 0, और फाइनल मोमेंटम M1 प्लस M2 इंटू V, तो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, राइट, क्लियर है? टेक्निक समझ में आ गई,
तो क्वेश्चन अब ये है, एक ब्लॉक टांग रखा है धागे से, मास 5 किलो है, इधर से गोली आती है 1 kg की विद वेलोसिटी ऑफ 10, लटकते हुए ब्लॉक के अंदर एंटर करती है। अब ब्लॉक के अंदर घुसती है और दोनों एज अ कॉमन बॉडी ऊपर उठ जाते हैं, तो एज अ कंबाइंड बॉडी दोनों आगे पेंडुलम की तरह चले जाते हैं। तो आपको ये बताने कि वो हाइट अटेन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मेरा पहला पॉइंट है, जब गोली इसके अंदर चली जाएगी, बुलेट ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो इनका कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 5 kg और 1 kg, 6 kg। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और ये ब्लॉक जब मूव करता है तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी कॉमन वेलोसिटी। तो रूल इसका यही है कि सपोज करो जैसे ये डायग्राम है, तो टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले इस बुलेट का मोमेंटम कितना है, 1 × 10, और ब्लॉक का क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि ब्लॉक हवा में किस पे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट। सही है यहाँ तक? कोलिजन के बाद क्या होता है, जब इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, इनका मास क्या हो जाएगा, 1+5, एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी के लिए सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, 10/6, यानी कि 5/3 m/s। क्या स्टेप क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी कॉमन वेलोसिटी। अब चलाएं ब्लॉक को ऊपर, पेंडुलम की तरह मूव करवाएं, तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। तो इसके अंदर अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि सपोज करो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, और ये पेंडुलम या ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से चला था। अब इस ब्लॉक का मास क्या हो चुका है, 6 kg, क्योंकि बुलेट और ब्लॉक दोनों इकट्ठे हो गए, और इनकी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी है, 5/3 m/s हमने निकाल ली, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल ली हमने। तो स्टेप क्लियर है, आपको निकालना है कि ये हाइट क्या अटेन करेंगे। हाइट का मतलब ये आपकी एच की वैल्यू क्या होगी, ये आपका इसमें क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताएं कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ, तो क्या लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, 0, और काइनेटिक क्या है, 1/2 × mass × 5/3 whole square। सही है यहाँ तक? और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होगी, बोलो, mgh, रादर m की जगह भी कितने kg पुट करेंगे, 6, क्योंकि ब्लॉक और बुलेट एज अ कंबाइंड बॉडी मूव कर रहे हैं, और हाइट हमें निकालनी है, तो इक्वेट कर दें, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0। तो इन्हें इक्वेट करते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है, 1/2 × 6 × 5/3 whole square, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, 6 × g × h। तो मास तो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, हाइट। मेन चीज इसमें यही थी कि आप सबसे पहले क्या निकाल लें, कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मैं आपको ऑलरेडी दे रहा था, चलो 5/6 से मूव किया, 2 से मूव, इस बार आपको कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा के पहले एक स्टेप और सोचना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन में चेंज ही किया मैंने, अगला पार्ट पूछ रहा हूँ मैं। चलो हाइट तो आपने निकाल लेनी है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ये सब मिटा रहा हूँ मैं, कि आप मुझे इस के अंदर ये बताओ, ये एंगल थीटा क्या होगा, आपको बताना, ये एंगल थीटा क्या होगा। थीटा भी गिवन नहीं, आपने एच निकाल लिया एनर्जी कंजर्वेशन से पिछले पार्ट में, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एच तो निकाल लोगे। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लगाऊं, नेक्स्ट स्टेप की थीटा आ जाए, L-L cos θ वाला कॉन्सेप्ट। सही कह रहा है। एक बात बताओ, ये कितने मीटर का स्ट्रिंग है, 10 m का, राइट? तो ऑब्वियसली ये जो हाइट है, शॉर्टकट लगाओ क्या आएगी, 10 − 10 × cos कितना, थीटा। शॉर्टकट याद है ना, L-L cos θ, और यही क्या होती है, एच। अब सोचो, एच तो आपने निकाल लिया, अब यहां से क्या आ जाएगा, cos θ। तो अगर एच आ गया तो cos θ आ जाएगा, थीटा गिवन है, वहां से एच आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें। तो आप ये हाइट जो है ये जानते ही हैं, L-L cos θ, और यही एच है, एच आपने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला और उस एच को यहाँ पुट किया, तो यहाँ से cos θ की वैल्यू आएगी। क्या स्टेप क्लियर है, पीछे क्लियर है, ठीक है यहाँ तक?
तो आइडियाज़ समझ में आ रहे हैं। अब देखो ना, आपको क्वेश्चन बुक में से ढूंढने पड़ेंगे, होमवर्क भी दूंगा आज, तो खैर मैं इनके ऊपर होमवर्क दूंगा 15-20 क्वेश्चन, अब ट्राई करना। आज के लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड होमवर्क दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने को दूंगा, आपसे होगा नहीं अभी तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो एक्स्ट्रा काम मतलब दो शिफ्ट में काम दूंगा, पहले आज एक लेवल में, फिर कुछ काम नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, फिर सेकंड लेवल में, फिर वर्क एनर्जी पार नेक्स्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा इजी फेस चलेगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेम है जो अभी मैंने किया, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार वेक्टर में किया था। कैसे? कि अगर मान लो एक बॉडी पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में इतनी लग रही है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो वेक्टर में याद है, अगर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम क्या लेते थे इसका पोजीशन वेक्टर, क्या होता था, 1i cap 2j cap -3k cap, फिर बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर 2i cap 0j cap -5k cap, तो क्या आएगा, आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर। बॉडी कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, ए से बी, तो ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर याद है। तो मैं इसमें क्या लगाता था, वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या, ये वेक्टर ये क्लोजिंग साइड है, तो क्लोजिंग साइड कौन बना, आर बी वेक्टर, तो आर बी वेक्टर क्या है, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, तो यहां से एस वेक्टर क्या आएगा, एस वेक्टर आएगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। याद है वेक्टर के अंदर करते थे ऐसे क्वेश्चन, वेक्टर की शीट्स में आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, इन्हें माइनस करके एस वेक्टर आ गया। वर्क डन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर पता है, डॉट एस वेक्टर पता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, कर लोगे सॉल्व तो आंसर इतने जूल्स आंसर आएगा। तो टेक्निक समझ में आ रही है कि कौन सा कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। यहां तक इसको एंड में करेंगे आज लेक्चर के, इसको करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक कॉर्ड है, एक रस्सी है, इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m। एक रस्सी आपने ली और उस रस्सी के साथ आपने मास m को टांग लिया, हाथ में पकड़ा, इसको लोअर कर रहे हैं, इसको नीचे लेके जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 4, नीचे लेके जा रहे हैं इसे, राइट। तो क्या कह रहे हैं, और कितना डिस्टेंस नीचे लेके जा रहे हैं, डी, तो डी नीचे ले गए, सही। क्या करना है, वर्क डन बाय कॉर्ड ऑन दी ब्लॉक इज, तो आपने ये बताना है कि इस कॉर्ड ने नीचे लाने में क्या किया, कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन बताओ कितना है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये रस्सी है, कॉर्ड है, रस्सी नीचे लेके आ रहे हो, पर आप रस्सी को पकड़ते कैसे हो, ऐसे नीचे के ऊपर, हाँ ऊपर पकड़ोगे, पकड़ोगे तो ऐसे ही और नीचे लेके जाओगे, तो आपकी अप्लाइड फोर्स या रस्सी में टेंशन कहाँ होगी, ऊपर। आप देखो रस्सी ने वर्क डन किया तो टेंशन ने वर्क डन किया, तो यहाँ पर टी लगाना है टी लगा लो, एफ लगाना है एफ लगा लो, टेंशन भी एक फोर्स है, तो आपने रस्सी को कैसे पकड़ा, ऊपर, पर लेके कैसे गए, ऊपर की नीचे, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, नीचे, फोर्स कहां लग रही है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180, तो वर्क डन क्या होगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो इसमें कॉस 180 क्या होता है, -1, ये भी क्लियर है। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, दो दो एक्सेलरेशन है, जी भी है और जी बाई फोर भी है, एम जी भी है, वेट भी है और जी बाई फोर, ये लिफ्ट वाला केस हो गया। जब आप लिफ्ट में नीचे उतरते हैं तो आपका वेट तो एम जी होता ही है ना, जब आप नीचे उतरते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए तो लिफ्ट में वेट चेंज हो जाता है, कितना, एम इंटू जी माइनस ए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एम इंटू जी प्लस ए, और अगर नीचे आ रही है एम इंटू जी माइनस ए, तो ये पत्थर भी लिफ्ट वाला केस है, पत्थर कहाँ आ रहा है, नीचे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो पत्थर पे एम जी नहीं लगेगा, एम इंटू जी माइनस ए, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी की बना है, जी बाय फोर, तो ये लिखा मैंने यहाँ ए की जगह जी बाय फोर, सॉल्व किया आंसर। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी बुक में ये,
पर कैसे सोचना है समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो आपने इसमें पहले फोर्स देखनी है, डिस्प्लेसमेंट देखनी है, वर्क डन निकालना है, फोर्सेस एम जी नहीं पुट करना, आपने एम इंटू जी माइनस ए पुट करना है, क्योंकि जब कोई बॉडी नीचे एक्सलेट करती हुई आती है तो एम इंटू जी नहीं होता, एम इंटू जी माइनस ए होता है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चेन वाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? दो लाइन की 20 मिनट से ऊपर ये लेक्चर का लेके जाएगी आज, सिर्फ दो लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कहोगे ऐसा क्या है, और इतने कितने ही वर्ड्स हैं इसमें छुपे हुए कि मैं बोलूंगा और 20 मिनट ले जाऊंगा। पहले एक नई प्रॉब्लम पे काम करते हैं, छोड़ो इस चेन को, ये लो मुझे एक चीज का आंसर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्या सपोज ये ग्राउंड है, ये मास m है। हमने आज तक फिजिक्स में जितने भी मास किए ना, वो पॉइंट मास लिए। ये पॉइंट मास क्या होता है? बस पॉइंट की तरह। हमने कहा ट्रक जा रहा है, ट्रक का मास m। हमने कहा ट्रक की शेप तो ऐसे, टाटा का ट्रक है, महिंद्रा का ट्रक है, ऐसी शेप, ऐसी शेप की बात कहाँ कर रहे हैं हम? हमने कहा एक बंदा जा रहा है, मैन जा रहा है, मैन का मास m। तो हमने कहा कि भाई उसका क्या, उसका या रिंग जा रही है, डिस्क, हमने कोई बात कब शेप की बात ही नहीं की हमने। हमने कहा बस मास m है, पत्थर है, कैसा पत्थर है पता ही नहीं, बस मास m है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट मास लेते हैं। पॉइंट मास का मतलब शेप को कंसिडर नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिक्स में शेप मैटर करती है। क्यों नहीं करती? टायर गोल के होते हैं भाई, क्यूब की फॉर्म में ट्रक के टायर लगा दो ना, क्यूब अपने कार में लगा लो, क्यूब की तरह टायर गड़गड़ गड़गड़ जाते जाएंगे, टूट जाएंगे सारे टायर, ऐसे ही होगा। शेप मैटर करती है, पर क्योंकि हमसे फिजिक्स पॉइंट मास में समझ नहीं रही, शेप बीच में कैसे ऐड कर देंगे, तो इसीलिए पहले 4 महीने रखे जाते हैं पॉइंट मास के साथ, हम शेप की बात ही नहीं करते। जब आपका बेस तैयार हो जाता है, फिर 5वें 6वें महीने में हम कहते हैं भैया शेप मैटर करती है। अब जो आप फिजिक्स पढ़ के आए हैं उसमें शेप का अफेक्ट भी देखते हैं कैसे चेंज करेगा। सारी फिजिक्स सेम रहती है, बस शेप का फैक्टर ऐड हो जाता है, और यही रोटेशनल मोशन है। और रोटेशनल मोशन की बार बार मैं बात क्यों करता हूँ, क्योंकि रोटेशनल मोशन पूरी फिजिक्स में क्या ऐड कर देगा, शेप। तो पहले क्या नहीं चाहिए, पूरी फिजिक्स, फिर क्या लगेगी, शेप। अगर फिजिक्स नहीं आएगी तो शेप किस पे लगाओगे? ठीक है, इसलिए रोटेशनल मोशन खास चैप्टर है, और इसीलिए बोला जाता है कि इसको क्रॉस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज करवा देगा। ये अच्छी बात भी है, रिवीजन हो जाएगी सारी आपकी, पर पॉइंट समझ में आ रहा है। बस ये लास्ट वो होगा, उसके बाद तो ठीक चलेगा। अभी पॉइंट मास पे काम चल रहा है, और मेरा क्वेश्चन है, मैंने इस पॉइंट मास को यहां से यहां ले गया कवरिंग हाइट ऑफ एच, तो बोलो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने कितना किया, एम जी एच, डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो क्वेश्चन पूछ ले, जितने मर्जी पूछ। कहता है देखो सर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है मेरा, ये मेरे पास एक थिन रॉड है, पतली सी रॉड है, ऐसे पड़ी हुई है ग्राउंड पे। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है लेंथ इसकी एल है, मास इसका एम है, मास एम है, बस आप मुझे ये बता दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बस ये क्वेश्चन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी है, एम जी एल। अच्छा मैंने कहा एम जी एल, ओके, एम जी एल में मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा तू अपना सारा मास यानी कि यहाँ पे मान रहा है, तो बाकी रॉड खाली पड़ी है क्या, हवा भरी पड़ी है रॉड में, क्यों, क्योंकि सारा मास तो तूने यहाँ मान लिया एम जी एल, तो यानी कि मास को टॉप पे मान रहा है तभी एम जी एल बोल रहा है ना। तो दूसरा स्टूडेंट साथ ही बोला सर एम जी एल क्यों ले रहे हो, जीरो ले लो ना। मैंने कहा वो क्यों, कहता जी ग्राउंड पे पड़ी हुई है रॉड, तो पहली ग्राउंड पे है तो इसकी क्या एनर्जी निकाल लोगे, ये तो ग्राउंड को टच कर रही है तो इसकी एनर्जी जीरो। दूसरा कहता है एम जी एल जीरो कैसे, क्योंकि हाइट कुछ तो अटेन कर ही रही है, ये तो कन्फ्यूजन हो गई। और तीसरा कहता है कि सर खाली रॉड तो है नहीं, मास तो आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी, 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 तो कहता है पोटेंशियल एनर्जी इसकी एक्चुअल में पता है क्या होगी, इस मास की, छोटे से मास की जीरो, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इस मास की एम जी इंटू एच वन, इसकी एम जी इंटू एच टू, एम जी इंटू एच थ्री, एम जी इंटू एच फोर, कर करके एम जी इंटू एल, सबको ऐड कर देना टोटल एनर्जी आ जाएगी।
हाँ ये बात कुछ सुनने में ठीक लग रही है, क्योंकि मास ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, सारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉड में पूरा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, तो जो तो मास ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी एनर्जी जीरो ले लो, जो बिल्कुल टॉप पे चला गया उसकी एनर्जी एमजीएल ले लो, और जो बीच में फंसे हुए हैं उनकी उनके रिस्पेक्टिव हाइट के हिसाब से एनर्जी ले लो, और फिर सभी मासेस की एनर्जी को ऐड कर दो, टोटल रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे ये एक रॉड की प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मतलब पत्थर पॉइंट मास कितने बढ़िया थे, बस पॉइंट लो एच एम जी एच, चक्कर ही नहीं था कि हाई मास यहाँ पर या कैसे होगा पता ही नहीं, पर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टॉप तक भी है, और सभी मासेस को अगर मैं तोड़ लूँ इन नंबर ऑफ इंटरवल्स में या इनफाइनाइट इंटरवल्स में, तो सबकी एनर्जी डिफरेंट आएगी, तो इसका एक आंसर तो होने वाला है नहीं अभी, वो भी एक प्रॉब्लम है। हर इंटरवल में मास क्या m ले रहा हूँ, क्या पता मैंने कटिंग m1 m2 m3 कर रखी हो फिर, तो भी प्रॉब्लम, तो और कॉम्प्लेक्स होगी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स तो है ना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आज की डेट में आप इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही एम जी एच का कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम समझ में आई यहाँ तक, ठीक है, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, एनर्जी तो है ही है कि ग्राउंड से कुछ तो हाइट अटेन हुई हुई है। तो पहला लॉजिक ये कहता है, इसका एक्चुअल लॉजिक ये कहता है, पहला तो क्या ही एक्चुअल में लॉजिक, तो ये कहता है कि आप एक रॉड लो, इस रॉड का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो आप इसकी एनर्जी निकाल लो, स्मॉल एनर्जी आएगी क्योंकि मास छोटा लिया आपने, तो छोटी एनर्जी आ जाएगी, फिर ऐसे करके सारे मासेस को लो, यहां से यहां तक सारे मासेस लो और सबकी एनर्जी को मिला लो, तो टोटल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। अब मिलाने को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, हाँ अंदर से इंटीग्रेशन की फीलिंग आ रही होगी क्योंकि हाइट वेरिएबल है, तो आप क्या करो इंटीग्रेट कर दो और आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आपको कहे यार ये क्या है यार, इतना सा रॉड का क्वेश्चन है टोटल, इसमें अगर इंटीग्रेशन लगनी स्टार्ट हो गई फिर दुनिया का बनेगा क्या, मतलब पागल हो जाएंगे, पॉइंट मास कर तो छोड़ने पड़ेंगे, तो ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं करने इंटीग्रेशन पड़ेगी इसमें कोई शक नहीं। डीएम डीएम ले लो इक्वल कार्ड, अब देखो तो आप जैसा ही कोई समझदार बंदा बैठा होगा जो परेशान हो गया होगा इंटीग्रेशन से कि यार कौन करेगा ये, तो उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया एक नया कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेशंस को क्या करता है, इलिमिनेट करता है और एक लाइन में आंसर देता है, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इंटीग्रेशंस की प्रॉब्लम तो फिर लंबी हो गई, मैंने क्या बताया, तो किसी ने क्या इंट्रोड्यूस किया एक नया कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास। ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, सीएम ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगले से अगला चैप्टर है पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान चैप्टर है, आसान तो अपना भी लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन को एलिमिनेट कर रहा है, आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो सेंटर ऑफ मास है क्या, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, ये मास नहीं है, नाम इसके नाम के अंदर मास आता है पर है क्या, ये एक पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एज्यूम किया जाता है नहीं इमेजिनरी है, ये एज्यूम किया जाता है पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पर पड़ा हुआ है नहीं, लेकिन एज्यूम किया जाता है कि मास कहां पर पड़ा हुआ है पूरी बॉडी का,
उस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, जबकि मास कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहोगे कैसे, तो कैसे करने के लिए, कैसे करने के लिए आपने देखा होगा लोग वो फुटबॉल को घुमा लेते हैं फिंगर पे, किसी भी कॉपी को बैलेंस कर लेते हैं एक फिंगर पे, घुमा भी लेते हैं। कैसे भाई, ये फिंगर पे कैसे घुमा लिया? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आपने फिंगर कहाँ रखी, जहाँ पर इसका पूरा वेट पड़ा हुआ था। देखो अगर मैं इसके वेट को बैलेंस कर लूँगा तो बैलेंस हो जाएगी, और वेट कहाँ पर है, जहाँ मेरी फिंगर है। अब इमेजिन करो जहाँ मैंने फिंगर का पॉइंट रखा, वहाँ इमेजिन करो पूरी कॉपी का क्या पड़ा हुआ है, वेट। वेट क्या होता है, एम जी, तो जी को छोड़ो क्या पड़ा हुआ है वहाँ पर, मास। इमेजिन करना है। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढ लूँ और वहाँ पर इसको बैलेंस करूँ, तो देखो कॉपी बैलेंस हो रही है, समझ में आ रहा है? तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर हम पूरी बॉडी के मास को क्या करते हैं, सपोज पड़ा हुआ है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर पाया जाएगा, सेंटर पे? सेंटर ऑफ मास क्या सेंटर पे होगा? नहीं, उसका नाम सेंटर जरूर है। वो सेंटर पे होगा या नहीं होगा आप खुद डिसाइड करें। सपोज करो ये एक रूम है, ये डिब्बा है, रूम नहीं है, एक बॉक्स है, और आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो कोई बाहर से आया, उसने एक बॉक्स को उठाया बाहर से, और देखो सड़क पर जाके पूरे रूम को हमारे सबको बैलेंस कर दिया, जैसे मैंने कॉपी बैलेंस की। तो उसने अपने फिंगर को कहाँ पर रखा होगा, इस पूरे रूम के इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास पे, जहाँ हम सबका वेट इमेजिन किया जा रहा है पड़ा हुआ है। अब इमेजिन करो हम सबका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे कमरे में, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में मिलेगा रूम के। लेकिन हुआ क्या, सभी स्टूडेंट्स उठ के एक जगह पे आ गए, सारे रूम खाली हो गया। अब क्या वो सेंटर पे बैलेंस करेगा? नहीं, अब वो सेंटर पे बैलेंस करेगा, बैलेंस ही नहीं होगा, इधर झुक जाएगी, पूरा रूम झुक जाएगा, यहाँ कॉपी झुक जाएगी। तो कहाँ बैलेंस करेगा, जहाँ पर ज़्यादा मास पड़ा हुआ है वहाँ बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो इमेजिनरी है, एक पॉइंट पर फिक्स कहाँ है, सेंटर ऑफ मास वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा मासेस हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे एक ही कंडीशन पे रहता है, जब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे कि एक रॉड ली, इस रॉड का मास मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इसकी लेंथ एल है, तो इमेजिन करो इसका सारा मास इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एल बाई टू, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो। अगर नहीं है, अगर आधी रॉड लोहे की बना दी, आधी गोल्ड की बना दी, लोहा बहुत भारी है, गोल्ड तो भारी है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कभी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा जहाँ पर ज़्यादा मास होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्वेश्चन चेन का था, क्वेश्चन रॉड का था, कहानी सेंटर ऑफ मास की छेड़ ली। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ते पढ़ते ये आया एक नई प्रॉब्लम कि सेंटर ऑफ मास चेंज भी होता है, और कितना अच्छा होता है सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, काम ही दुनिया में काम ही खत्म था, सेंटर पे ढूंढ लो, है ही नहीं, मास की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। वो जो चैप्टर करेंगे सेंटर ऑफ मास, उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि ये ले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप बोलोगे सेंटर पे। मैं क्या करूँगा, चार पार्टिकल को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं पूछूंगा बोल सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, मैं इधर से उधर प्लेस करूंगा, इधर से इधर प्लेस कर दूंगा, ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिससे फॉर्मूला में अप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एक मिनट में सेंटर ऑफ मास आएगा। तो ये जो काम है वो हमने कब करना है, किस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो मैं ये अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है एक, और क्योंकि डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अंदर उतना ही टाइम मेरा कम लगेगा। आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पता होगी, आपको चैप्टर ईजी लगेगा और फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आज की डेट में इस चैप्टर में हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास लेंगे ही नहीं, हम क्या लेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, राइट? और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केस में हम मास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पर लेंगे, बॉडी के सेंटर पर लेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? तो मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, रॉड की लेंथ क्या है टोटल, L। इस रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रॉड के ऊपर, नीचे से ऊपर तक।
पर मैं इंटीग्रेशन को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सारा का सारा मास बस एक ही पॉइंट पे पड़ा हो। मास एम है रॉड का, बोलो वो कहाँ लें, इसके सेंटर ऑफ मास पे। कितना मास पड़ा हुआ है, एम। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पूरी रॉड का मास मैंने प्लेस कर दिया। अब ये एज्यूम करूँगा ना तो मास यहाँ पर ना यहाँ पर, सारा मास सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे, ये एज्यूम करूँगा। अब मैंने सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज़ कर लिया, अब मैं मास को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा बस सेंटर पे पड़ा हुआ है, बस पॉइंट मास हो गया, वो सही हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर आप अब रॉड को रॉड नहीं ले रहे, एक पॉइंट ले रहे हो, ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पता है क्या होगी, एम जी इंटू, आंसर आ गया एम जी इंटू एल बाई टू, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। कई लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, फ्लो में भूल जाते हैं, मास को आधा कर देते हैं, सर ने कहा था सेंटर ऑफ मास में आधा ले लेते हैं, क्या आधा ले लेते हैं भाई, डिस्टेंस लेते हैं आधा। मैंने ये तो नहीं कहा मास आधा हो जाता है, रॉड 10 किलो की है 5 किलो की हो जाएगी, 5 किलो 2.5 किलो की हो जाएगी सेंटर ऑफ मास, भाई 5 किलो की रॉड 5 किलो की रहेगी, मास नहीं आधा किया, डिस्टेंस आधा किया, उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास पे ढूंढ दी। क्या पॉइंट क्लियर है, सही है? अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज ये एक टेबल है, सपोज ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक चेन पड़ी हुई है, चेन लटक रही है, ये हवा में लटक रही है, चेन की जो लेंथ है वो इस क्वेश्चन में मेंशनड है, मान लो नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, चेन की लेंथ है L/6, आपको कि नीचे क्यों नहीं गिर जाती भाई, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी, फ्रिक्शन ने रोक के रखा हुआ है। तो याद करो चेन वाले क्वेश्चन फोर्स में भी, पर वो अलग थे, वो तो ये था चेन नीचे क्यों नहीं गिरती, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो इसमें L/6 पोर्शन हवा में है चेन में, क्लियर है, यहाँ तो हैंगिंग पोर्शन है, बस मेरे को एक काम करना है, इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैंने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ये मेरा क्वेश्चन है। चेन की टोटल लेंथ क्वेश्चन में एल गिवन है और चेन का टोटल मास क्वेश्चन में एम गिवन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, पहले पहला पॉइंट ये कि जो हैंगिंग पोर्शन है जिसकी लेंथ L/6 है, इसका मास कितना है? कितने लोग बोलते हैं M/6? अच्छा, कितनों को कुछ और लगता है, और लगता है, कितना लगता है? M। पूरी चेन का मास M, हैंगिंग पोर्शन का भी M। अच्छा अच्छा, इतनी पोर्शन का भी M, इतने का भी M, सारी दुनिया में चेन का मास M। कैसे कैसे, लॉजिक दो भाई। पूरी चेन का मास M, हैंगिंग पोर्शन का मास कम नहीं होगा? मुझे तो लगता है कम होगा, लग रहा है मुझे कम होगा, नहीं कम होगा, हो कम होगा, चलो पता लग गया आपको भाई कम होगा। M कैसे होगा, पूरी चेन का M है, जब लेंथ L है तो मास M है, 1 है तो M/L, याद है ऐसे करते थे, मास पर यूनिट लेंथ, और हैंगिंग पोर्शन की अगर लेंथ L/6 है तो M/L इंटू L/6, आंसर क्या आया, M/6। सर मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में मास इज यूनिफॉर्म, मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म तो सेंटर ऑफ मास में करेंगे, अभी यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जो नॉन यूनिफॉर्म का भी आंसर तुमने एम कैसे दे दिया तो बता दे, ये बता दे, पूरी चेन का मास एम है, लोहे की और सोने की बनी हुई है तो भी इसका एम ही रहेगा, फिर तो गोल्ड लेने मत जाइयो, गोल्ड की चेन का पैसे मत दियो तो कहीं दुकान पर जाके, महंगा पड़ जाएगा, तो सारे पैसे दे आएगा एम मास के, वो तो काट के देगा चेन L/6, तू कहेगा पैसे एम के ले लो या पैसे एल के ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे यार, सही है, चेन काट के देगा तो यार मास तो कम ही करेगा तो पैसे तो कम ही बनेंगे, ठीक है ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मास क्लियर है, मास कितना आ गया M/6, ठीक है। टोटल लेंथ L है चेन की और मास M है, तो L लेंथ चेन का मास M है, यूनिट लेंथ का M/L है, मैंने किसका मास पूछा जब लेंथ L/6 है, तो L/6 का M/L इंटू L/6, यूनिटरी मेथड ही तो लगाया है, M/6, अब ठीक है।
तो लटकती हुई चेन का मास कितना है? एम बाई सिक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चेन का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर भी 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 है। जब ये झगड़ा पड़ जाए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो कहां लें? सेंटर ऑफ मास पे, राइट। तो इसका मतलब कि मैं यहां पर इसका जो मास लूंगा, इसके सेंटर पे लूंगा कितना? एम बाई कितना? एम बाई ट्वेल्व कैसे बोल सकते हो? मैं यही तो कहा था, कॉमन मिस्टेक है, मास को आधा नहीं करना, मास तो पूरा ही है। कहां पड़ा हुआ है एम बाई सिक्स? मास कहां पर पड़ा हुआ है? इसके सेंटर ऑफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मास एम बाई सिक्स है, ये समझ में आता है। कहां पर पड़ा होगा? चेन के सेंटर पे। तो ये चेन का सेंटर है, यहां पर मास क्या रखें? एम बाई सिक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है यहां तक? चेन का मास टोटल एम बाई सिक्स, पड़ा कहां होगा? चेन के सेंटर पे। मैंने ये तो नहीं कहा मास आधा कर दो, एम बाई सिक्स तो एम बाई सिक्स ही रहेगा ना, उसकी प्लेसमेंट सेंटर पे कर दो। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब आप ये अज्यूम करो कि चेन का सारा मास ये पड़ा हुआ है लटकती हुई चेन का, और आपने इस मास को उठा के ऊपर लेके जाना है। कितने ऊपर लेके जाना है? एल बाय, इस मास को उठा के टेबल पे रखना है। एल बाय सिक्स कैसे? ये डिस्टेंस कितना है? एल बाय सिक्स तो नहीं है, एल बाय ट्वेल्व। एल बाय ट्वेल्व, आपको समझ में आ रहा है? टोटल लेंथ क्या है एल बाय सिक्स? सेंट्रल मास मिड पॉइंट पे है, सारा मास ये पड़ा हुआ है, इसको उठा के ऊपर लेके जाना है। तो अब कितनी ऊपर लेके जाना है? एल बाई ट्वेल्व। तो वर्क डन, बोलो क्या होगा? मास एम बाई सिक्स जी, और कितनी हाइट लेके जाना है? एल बाई अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। फिर से कर लेते हैं, इतनी स्ट्रेस में क्यों बैठे हो? ये लो, रॉकेट तो नहीं बनाया, बेचारी लटकती हुई चेन को तो ऊपर रखा है एक। अच्छा फिर से, 20 मिनट से ज्यादा ऊपर हो गए इसमें, चलो कोई बात नहीं। फिर से ये लो, ये आपके पास फिर से एक चेन है, ठीक है। चेन की लेंथ एल है, चेन का मास एम है, टोटल चेन एल है, टोटल मास एम है, और मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं कि चेन एल बाय टेन हवा में लटक रही है। आप मुझे बताएं कि इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक एक करके। पहले हैंगिंग चेन का मास क्या होगा बोलो? एम बाय टेन, पहला रूल क्लियर है। एल लेंथ है, मास एम है, एल बाय टेन है, एम बाय टेन है, क्या स्टेप क्लियर है? तो मास कितने हैं? एम बाय टेन। कहां पड़ा होगा? चेन के सेंटर पे, राइट। चेन का सेंटर ये रहा, तो कितना मास पड़ा होगा? एम बाय टेन। उसको कितना ऊपर लेके जाना है मुझे? इतना ऊपर लेके जाना है। टोटल चेन की लेंथ एल बाय टेन है, पर अपने को कितना लेके जाना है? इसको डिवाइड बाय टू करेंगे, एल बाय, क्या स्टेप क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो क्या होगा? मास कितना? एम बाय टेन जी। हाइट कितनी? एल बाय ट्वेंटी। अब ठीक हो गया, अब कुछ बेटर है? पहले मास निकाल लो, जी ले लो, हाइट आधी कर लो, बस 20 कैसे? अगर लेंथ 15 मीटर की है तो ये लेंथ कितनी है? 15 बाय 2। अगर लेंथ L बाय 10 है तो L बाय 10 का आधा कितना होता है? L बाय 20। L बाय 20, तो सेंटर ऑफ मास से मास को L बाय 20 हाइट पे लेके जाना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है क्या फिर से? नहीं यार, कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोर नहीं करेंगे, कुछ अलग चीज़ सिखाएंगे, फिर चेन का क्वेश्चन पूछेंगे। ये लो, अब आगे चलने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले एक और चीज़ बता दूं। फिजिक्स में तीन किस्म की डेंसिटीज होती हैं। आपको अच्छा, छवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं भी कर ली और आधी ग्यारहवीं भी होगी। अभी तक तो यही सिखाया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आज के बाद अब ये तीन हो गई, ठीक हो गया। तीन कैसे हो गई? और ऐसी कौन सी नई डेंसिटी पैदा कर दी जो अभी चार साल में हुई नहीं? देखो,
हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स वाले कि मास को जब हम कोई बॉडी बनाते हैं, कोई भी बॉडी कंसिडर करते हैं, रिंग, डिस्क, स्फेयर, कुछ भी, कोई दुनिया की बॉडी ले लो, वो तीन तरीके से उसमें मास भर के बॉडी को बनाया जाता है। मास यानी कि तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहला, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कैसी होती है? लेंथ वाइज। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? एरिया वाइज। और तीसरी कैसी होती है? वॉल्यूम। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं आपको फिजिक्स में आज के बाद ये बोलूँगा, कंसिडर अ थिन रॉड, कंसिडर अ थिन रॉड। कितनी थिन? थिन रॉड में कितनी थिन? धागे जितनी थिन या सर के बाल जितनी थिन, इतनी थिन। आपको इतनी थिन रॉड मतलब कि इतनी थिन? हाँ, इतनी थिन। क्योंकि अगर मैं थिन रॉड नहीं बोलूंगा, आप घर से डंडा उठा लाओगे और बोलोगे देखो सर ये रॉड है और ये जो रॉड है ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर बन जाएगा वो पूरा या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाएगी। पर मैंने रॉड कौन सी ली? थिन। थिन का मतलब ना तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा, ना उसकी कोई चौड़ाई लूंगा, सिर्फ क्या लूंगा? लंबाई लूंगा। तो यानी कि यहां पर ऐसी रॉड लूंगा, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना कुछ, सिर्फ जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ। तो यहां पर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे मैं एग्जांपल लूंगा थिन रिंग, थिन रिंग, रिंग थिन लगाए या ना लगाए, रिंग होती थिन है, बाय डिफॉल्ट थिन है। तो रिंग के ऊपर भी मास हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि डिस्क, डिस्क के ऊपर सरफेस के ऊपर मास है और जो डिस्क है उसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, लूंगा नहीं, मोटाई भी होती नहीं लूंगा, शीट की तरह, शीट पतली सी परत, चादर, शीट, तो बस उतनी लूंगा। तो शीट है या डिस्क है, इसके ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट सरफेस एरिया। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के अंदर, बॉल के अंदर भी मास है और हर तरफ मास है, तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? वॉल्यूम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, प्रैक्टिकली अगर आप दुनिया की कोई चीज उठाओ वो वॉल्यूम वाइज ही होती है, कुछ मोटाई तो होगी होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ तो निकलेगा, बट हम हर चीज़ वॉल्यूम में नहीं कर पाएंगे, हम लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में करेंगे। तो अगर मैं इस रॉड का टोटल मास बाय टोटल लेंथ ले लूं, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, तो इस रेशियो को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज, तो मैंने डेंसिटी वॉल्यूम वाइज नहीं ली, मैंने डेंसिटी लेंथ वाइज ली, लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं इसमें टोटल मास को इसके एरिया से क्या कर दूं, डिवाइड, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट सरफेस एरिया। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर मास को कैसे डिवाइड करते हैं उसके, तो ये वॉल्यूम डेंसिटी है। और आपने सुना होगा हर जगह क्या टर्म यूज होती है, वॉल्यूम डेंसिटी। छोटी क्लास में वॉल्यूम डेंसिटी करते हैं, लीनियर डेंसिटी पढ़ाता ही नहीं है कोई, सरफेस एरिया भी नहीं पढ़ाता, वो प्लस वन पढ़ाई जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर लीनियर मास डेंसिटी है, इसकी रेशियो को किससे रिप्रेजेंट, इसका सिंबल क्या है डेंसिटी का? लैम्डा। लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी। इसका सिंबल है सिग्मा, सरफेस एरिया मास डेंसिटी, और इसका सिंबल है रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नोट करना है, नोट कर लो कहीं पर, नोट कर लो, काम आएगा, ये यूज करेंगे हम। ठीक है, यहां तक तीन तरीके की मास फॉर्मूले, फॉर्मूले नोट कर लो, बस तीन सफिशियंट है।
हैं यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अच्छा कल तक हो जाएंगे। अच्छा इस चीज़ का आंसर दो फिर, इस चीज़ का आंसर दो। देखो इस चीज़ का आंसर दो कि अगर सपोज करो एक रॉड है, ठीक है एक रॉड है, इस रॉड का जो मास है वो मैं आपको देता नहीं, मैं आपको लेंथ दूंगा, इसकी लेंथ है 10 मीटर और मैं इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा दूंगा, लैम्डा इज 20 kg/m। क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा ले लो। आप मुझे बताओ उस रॉड का मास क्या होगा, तो इसका मास क्या होगा अगर आप इसकी डेंसिटी लैम्डा को लेंथ 10 मीटर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मास। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 20 kg/m को 10 मीटर से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया, 200 kg। समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है इसे? ठीक है यहां तक ओके। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लो सपोज ये एक टेबल है और ये एक चेन है, एक चेन है, चेन की लेंथ L/6 है और हैंगिंग, हाँ टोटल मास एम है, लेंथ एल है, नहीं मैं मास नहीं दूंगा आपको, सॉरी मैं आपको इसमें लैम्डा दूंगा, चेन का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मास नहीं दे रहा मैं। तो मेरे को इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है, बोलो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इसका मास क्या होगा हैंगिंग चेन का, पहले बोलो कितना, M/6 कैसे हो गया, मैंने तुम्हें मास तो दिया ही नहीं चेन का, तुम M कैसे ले रहे हो, लैम्डा की फॉर्म में बोलो, लैम्डा इनटू लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो मास आ गया। लैम्डा का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, अभी किया ना हमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मास कहाँ पर है, सेंटर पे, तो ये लेंथ कितना ऊपर उठाना है, L/12। तो क्या वर्क डन होगा, मास की जगह ये मास इंटू जी इंटू L/12, क्या स्टेप क्लियर है? तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर मास में दिया है अच्छी बात है, नहीं गिवन तो लैम्डा तो देगा ही देगा, तो लैम्डा से हम पहले क्या निकालेंगे, मास। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस ठीक है सर। एक और आंसर दो, ये लो ये रही चेन, चेन की लेंथ एल है, अब वो एल है पूरी हवा में लटक रही है, नहीं टोटल लेंथ 12 भी तो हो सकती है, 12 में से एल पोर्शन हवा में है तो क्या प्रॉब्लम है, ये धोना कि दुनिया की सारी चेन एल लेंथ लंबी हो गई, तो एल हवा में लटक रही है और जो लीनियर मास डेंसिटी है उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा, पर चलो मेरा मन आया मैंने डी ले लिया कंफ्यूज करने के लिए, डी ले लो, पर काम तो वही करेगा लैम्डा वाला ही, तो ये है तो मास पर यूनिट लेंथ, बोलो इसको उठा के ऊपर रखना है कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले इसका मास निकाल लें, इस लटकती हुई चेन का मास कितना है, डी इंटू एल, लैम्डा इंटू एल की जगह डी इंटू एल, कहाँ पर पड़ा हुआ है इसके, सेंटर ऑफ मास पे, तो कितना ऊपर उठाना है, एल बाय, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू मास इनटू जी इनटू, क्या है पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सही है ओके। तो ये लो वो दो लाइनों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डी इनटू एल इनटू जी इनटू एल बाय टू, चलो मेरा काम खत्म, ठीक हो गया, पौना घंटा नहीं हुआ, आधा घंटा तो सेंटर ऑफ मास का
कम हो गया समझो, एक चैप्टर एक हफ्ते बाद का। वहाँ भी तो लगना ही था ये टाइम, वहाँ भी तो चेन आनी थी, चेन ख़त्म हो गई बस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को करते हैं, एक्सक्यूज मी सर, इस क्वेश्चन के अंदर इस क्या गिवन क्वेश्चन। है? आपके सामने की ट्यूब है, पानी है, नीचे से थिन है बिल्कुल, ये ठीक ठाक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मैंने पानी को यहाँ से दबा के रखा हुआ है अभी, सच दैट ये हाइट एच टू है, एच वन है, फिर मैंने छोड़ दिया तो पानी ऊपर नीचे करके ऐसे आ गया, हाइट दोनों में क्या हो गई? सेम। तो सेम करने में मैंने तो हाथ छोड़ दिया था, तो किसने वर्क डन किया? ग्रेविटी ने। ग्रेविटी ने एडजस्ट कर दी हाइट, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ये क्वेश्चन है। तो लॉजिक ये है कि अगर आप केस नंबर वन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें एमजीएच करके, इस पोर्शन की अलग, इस पोर्शन की अलग ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी इनिशियल, फिर ऐसे फाइनल निकाल दें इसकी, दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लें, वही अमाउंट ऑफ क्या माना जाएगा? वर्क डन। अब प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, एमजीएच निकालने के लिए मास चाहिए और हाइट चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन में एच वन एच टू गिवन है, उसके बाद नई हाइट कितनी होगी? एच हो गई, पहले एच निकालते हैं। यहां का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एच वन। यहां का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एच। हाइट एडजस्टमेंट में पानी उड़ तो नहीं गया, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू एच, एरिया इंटू एच। तो यानी कि पहले वॉल्यूम ए एच वन ए एच टू, अब वॉल्यूम ए एच ए एच, वॉल्यूम इक्वेट कर दिया लेफ्ट और राइट का, ए ए ए कैंसल, हाइट आ गई। तो सबसे पहला काम क्या निकालना? एडजस्टमेंट होने के बाद हाइट क्या आएगी। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया यहां तक? तो हाइट निकालनी यहां तक। दूसरा काम मुझे ये बताओ कि अगर इसका मास एम है तो इस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी? एम जी एच वन बोल दिया तो फिर पौना घंटा खराब हो गया। मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पानी का यहां से यहां तक, और जब मास मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास कहां पर लेना होता है? एट सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ मास पे हाइट क्या होगी? एच वन बाय, तो एम जी एच वन बाय टू। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो ऐसे टेढ़े मेढ़े केस, रॉड है, पानी है, चेन है, सब में सेंटर ऑफ मास लगेगा। अब आदत पड़ जाएगी, क्यों टेंशन, महीना यही करना है, अपने आप अंदर से सेंटर ऑफ मास निकलेगा। याद किया करोगे सेंटर ऑफ मास, कौन करेगा इंटीग्रेशन? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये लो, इनिशियल एनर्जी लेफ्ट साइड पे कितनी है? एम जी इंटू एच वन बाई टू, राइट साइड पे एम जी इंटू एच टू बाई टू, लेकिन मास तो गिवन नहीं, कोई बात नहीं। इसका वॉल्यूम बोलो कितना है? एरिया इंटू एच वन। लेफ्ट साइड का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एच वन। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी इसमें चलो हमने रो ले ली, तो मास की जगह क्या पुट किया? ए इंटू एच वन इंटू रो। ये स्टेप समझ में आया? लेफ्ट साइड का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एच वन को किससे मल्टीप्लाई किया? डेंसिटी, तो क्या आ गया? मास इंटू जी इंटू एच वन बाई टू। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ गई? लेफ्ट साइड की पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब हाइट एच टू है वहाँ की भी तो एनर्जी आएगी, कुछ नहीं करना, एच वन की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? एच टू। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो आपकी लेफ्ट और राइट की टोटल एनर्जी कितनी आ गई? दोनों को क्या कर लिया? ऐड, ऐड करके कॉमन आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है? केस नंबर वन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, सही है। केस नंबर टू में क्या हुआ? एच वन एच टू की जगह एच और एच हो गया, तो कुछ भी नहीं करना, जहां एच वन है वहां पर एच और एच कर, तो फाइनल एनर्जी भी आ गई साथ के साथ, बाकी सारा स्टेप तो सेम है। स्टेप क्लियर है यहां तक? एच वन एच टू की जगह केस नंबर टू में एच और एच हो गया, ये टर्म आ गई, लेकिन H तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? H1 वन प्लस एच टू बाई टू, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कोई डाउट इसमें? इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, चेंज इन एनर्जी ही अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है, तो क्या करना है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये रही फाइनल, ये रही इनिशियल, आगे फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट। तो लो इसका कॉमन जो लेना है कॉमन लो, कॉमन लेके ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये पूरी शीट नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में वर्क पार्ट खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी स्कूल लेवल तो कब का हो गया खत्म,
एक स्प्रिंग का टॉपिक रहता है, बस वो इतना छोटा सा रहता है और कुछ नहीं करना। तो अगर आपको एनसीईआरटी स्कूल लेवल फोकस करना है तो बस आप एक एसएल की बुक उठाओ और उसके अंदर थ्योरी तो हम क्लास में कर ही रहे हैं, थ्योरी तो वहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करो, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्चुअल्स भी गिवन है, वो कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल्स कर लो, तैयारी हो जाएगी आपकी स्कूल की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन कॉलेज में जाना है, सीखना पड़ेगा यार। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करेगा, अगर वन है तो वन नहीं दिखेगी, नहीं तो रो, ऑब्जेक्टिव है रो की फॉर्म में है। ओके, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स है ही इंटरेस्टिंग। देखो इस क्वेश्चन में आपको मैंने x की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे वर्क डन बताएं, 10 केजी का मास है, 10 सेकेंड में कितना वर्क डन किया, वर्क डन किया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स तो गिवन है, इसे दो बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, मोशन याद है, एक्सेलेरेशन आएगी, सही। तो चलो शुरू करते हैं, आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, एक्सेलेरेशन। कोई डाउट इसमें, एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है कि नहीं, कॉन्स्टेंट है, टू है, वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें, तो एक्सेलेरेशन इसमें कॉन्स्टेंट है, जब एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल लो ना निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सही आंसर आएगा। पर अगर एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, फिर तो 100% आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स बन जाती है, और वेरिएबल फोर्स तब बनेगी जब एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केस में आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, पर इस केस में एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है तो बिना इंटीग्रेशन के काम चलता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक्सेलेरेशन क्लियर है यहाँ तक, तो वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास गिवन है, एक्सेलेरेशन निकाल ली। अब एक और प्रॉब्लम है, सर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, अब पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट, अब m पता है, a पता है, s नहीं पता, अगर मैं s बता दूं वर्क डन आ जाएगा, s निकाल लेते हैं, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें क्योंकि क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगाया, ut टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये नहीं गिवन कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, तो मैं u को जीरो नहीं पुट कर सकता, अब मेरे को u निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी u निकलेगी, फिर s निकलेगा, फिर यहां से वर्क डन निकलेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए काम करते हैं, आपने x को डिफरेंशिएट करके क्या निकाली थी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मोशन का चैप्टर अगर आपको याद है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब टाइम को जीरो पुट करते थे तो वो कौन सी वेलोसिटी देती थी आपको, इनिशियल। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल। तो टाइम को जीरो पुट करो, वेलोसिटी कितनी आ रही है, वन, तो यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, वन। समझ में आया, u कैसे निकाला, मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन थी, टाइम को जीरो पुट किया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यहां से s आ गया, s को यहां पुट किया, मास पता है, a पता है, यहां से वर्क डन आया। स्टेप समझ में आया, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अब कोई कहते हैं नहीं 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 मैं तो इंटीग्रेशन से करूंगा, उसका शौक भी तो पूरा करना है यार, जरूरी थोड़ा है कि नॉन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें तो एक्सेलेरेशन आ गई कॉन्स्टेंट, अगर एक्सेलेरेशन आ जाती टूटी फिर क्या कर लेते, फिर तो मेथड ही फेल था, फिर तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इन एनी केस आपको इंटीग्रेशन का मेथड तो फिर भी सीखना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन में कभी भी टोटल वर्क डन सीधा निकलता ही नहीं, वर्क डन क्या निकलता है पहले, छोटा डी डब्ल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल है, मेरे को एक चीज़ का आंसर दो, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है वर्क डन स्मॉल है, बोले फोर्स स्मॉल क्यों नहीं है, उसको भी तो डीएफ ले लो ना, लॉजिक है ना, जब छोटा 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 तो सब कुछ छोटा, नहीं फोर्स छोटी नहीं बाकी सब छोटे, ऐसा क्यों, अच्छा चलो ठीक है। एक ट्रक खड़ा है, एक ट्रक है, मैंने स्टूडेंट को कहा
या ट्रक को डिस्प्लेस करवा दे। वो कहता है यार मैं नहीं करवा सकता, बहुत बड़ा ट्रक है। अच्छा मैंने कहा चल छोटा सा करवा दे, डीएक्स करवा दे। वो कहेगा यार चाहे छोटा करवा लो चाहे बड़ा करवा लो, अरे फोर्स तो उतनी लगानी पड़ेगी ट्रक को मूव करवाने के लिए। ये थोड़ी ना कि ट्रक को 1 सेंटीमीटर मूव करा दो, उंगली लगा दो, क्यों भाई डीएफ छोटा कर दो, फोर्स तो पूरी लेगा वो। फोर्स नहीं छोटी होगी, आपका वर्क डन छोटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट छोटी तो वर्क डन छोटा, फोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फोर्स तो पूरी लेगा वो मूव करने के लिए, तो इसलिए फोर्स तो एफ ही लगेगी। डिस्प्लेसमेंट छोटी है तो वर्क डन भी छोटा है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो मास गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, वर्क डन आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया डीएक्स की फॉर्म में। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एक्स। तो लिमिट भी किसकी लगेंगी? एक्स की। प्रॉब्लम ये है एक्स की लिमिट ही नहीं गिवन क्वेश्चन में। लिमिट तो टाइम की गिवन है, 0 से 10 सेकेंड का वर्क डन निकालना है। लिमिट किसकी गिवन है? टाइम की। तो यहाँ पर क्या चाहिए था मुझे? डीएक्स नहीं, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? डीटी। तो डीएक्स को डीटी में कन्वर्ट करने का तरीका हमने पहले भी किया मोशन में, इसको डीटी से मल्टीप्लाई डीटी से डिवाइड कर दो। डीटी बाई डीटी तो वन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डीटी डीटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डीएक्स बाई डीटी क्या हो जाएगा? वी। डीटी अलग रह गया, बन गया ना डीएक्स किस में? डीटी में। तो क्या किया मैंने? डीएक्स को डीटी में कभी भी कन्वर्ट करना हो डीटी से मल्टीप्लाई डीटी से डिवाइड, और डीएक्स बाई डीटी क्या है? वी। सही है यहां तक? और वी की वैल्यू ऑलरेडी हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल चुके हैं, 2t + 1। तो यहां पर पुट कर दो 2t + 1। बस टाइम की लिमिट लगा दो 0 से 10 सेकेंड, बाकी इंटीग्रेशन भूल तो नहीं गए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कि वो भी रिवाइज कर लिया हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाना आंसर आएगा, मैथ स्टार्ट है। कौन सा मेथड पसंद आया? 1 की 2 या कोई भी नहीं या दोनों? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है आपकी पसंद से? वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंट है तो नहीं करनी पड़ेगी। तुम कर क्या सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सुन सकते हो और घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सही तो बात यही है ना, क्या करोगे? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन है कि एक ये यू की फॉर्म में कोई कंटेनर है या जो भी एक शेप है, एक पॉइंट मास, ये बॉल है यहाँ से रिलीज की। वो कह रहा है कि जब, एक बात बताओ, जब यहाँ एच हाइट से आप बॉल को रिलीज करोगे, जब एच हाइट से बॉल को रिलीज करोगे, क्या वो एच हाइट को आगे क्रॉस कर सकती है? अच्छा मैं भी देखूँ, घर से बॉल लेके आना, यहाँ से 10 मीटर से घेरूंगा और छोड़ दूंगा, तो वो 12 मीटर में चली जाएगी, 20 मीटर में चली जाएगी? फेंकोगे नहीं तब जाएगी, वेलोसिटी दोगे तब हाइट क्रॉस करेगी। ये तो ग्रेविटी का रूल है कि जहाँ से स्टार्ट करोगे एंड भी वहीं पर होना है, वो भी तब जब एनर्जी लॉस नहीं है। वैसे तो 10 मीटर पर घेरोगे 2 मीटर पर रह जाती है चीज़, कहाँ उछलती है इतनी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि और उछलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी अर्थ तो दे नहीं रही, वो तो ले रही है उल्टा। तो वो ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बॉल को मैं वी वेलोसिटी से नीचे फेंकूँ। इस बॉल को मैं कितने वेलोसिटी से नीचे फेंकूँ ताकि, और एच हाइट पे, ताकि वो सी पॉइंट तक पहुँच जाए, और सी पॉइंट की हाइट क्या है? आर, जो एच से ज़्यादा है। ठीक है यहाँ तक? तो आपको ये बताना है इसमें कि मैं कितनी वेलोसिटी से इसे नीचे गिरूं ताकि वो यहाँ पहुँच जाए। क्या मन में आ रहा है, क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या करना है इसमें? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। बोलो यहाँ पोटेंशियल कितनी है? एम जी आर, और काइनेटिक क्या हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर? जीरो। जब ये बॉडी चली थी तो पोटेंशियल कितनी है? एम जी एच, और काइनेटिक हमने कितनी दी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू एम जी आर, सॉल्व कर लेना, वी आ जाएगा, डन।
क्या आपको मेथड समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं कुछ काम दूंगा उस पर आप ट्राई करना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हुआ, ये हुआ, और मैं फिर कह रहा हूँ आसान नहीं है। शीट्स मैंने लिखी हैं, वर्क पावर एनर्जी मैंने भी सॉल्व की है, आसान नहीं है। सर्कुलर भी लोगों को मुश्किल लगता है, प्रोजेक्टाइल लगता है, मोशन लगता है, सर्कुलर लगता है, वर्क पावर काफ़ी लगता है। वर्क पावर मैंने ये नहीं कहा थोड़ा लगता है, वर्क पावर काफ़ी मुश्किल लगता है। कोलिजन नेक्स्ट बहुत इजी लगता है, मज़ा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आएगा। रोटेशनल वर्क के टक्कर में है, वर्क ज़्यादा बड़ा है, रोटेशनल इससे नीचे है। रोटेशनल भी इतना मुश्किल नहीं है, वर्क पार टॉप है। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए और इंटरेस्टिंग है वैसे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन हमने ना उसमें किया था, वो फोर्स वाले चैप्टर में, पाइप है, पानी निकलता है, वॉल पे गिरता है, फोर्स बताओ कितनी फोर्स से हिट करता है। इसमें सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बट फोर्स की बजाय क्या पूछ लिया? रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब वर्ड रेट आ जाता है ना, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, ये निकालना है। ठीक है यहाँ तक? अब जो मास है वो गिवन ही नहीं है, एक काम करो, मास को लिखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्टेप क्लियर है? मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर आपको याद हो वो फोर्स का चैप्टर, मैंने एक फॉर्मूला करवाया था वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का, क्या होता था? एरिया इंटू वेलोसिटी। याद आ रहा है? एरिया इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेलोसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आता है। यार फोर्स रिवाइज नहीं किया, दिल से नहीं पढ़ा, मेरी किताब में लिखा है, मेरी रिकॉर्डिंग में चेक कर लो, मैंने वो क्वेश्चन करवाया है। तो याद रखना, जब पाइप में से लिक्विड बाहर निकलता है तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और वेलोसिटी वी है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी। याद हो गया? कोई बात नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है भूलना, आप अजीब नहीं हो अगर आप भूल गए हो, पर आप उसकी टेंशन मत लो। पूरे साल में 25 बार यूज़ करूँगा एरिया इनटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। जब प्लस वन क्रॉस करोगे ना, मेरी गारंटी है जनवरी के महीने में पूछा जाएगा ना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ऐसे बोलोगे एरिया इनटू वेलोसिटी, 25 बार में तो याद हो ही जाएगा, अभी तो दूसरी बार हुआ है, अब तो पक्का याद हो गया होगा इतना सुनने के बाद, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? हाफ इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी का क्यूब इनटू डेंसिटी, यही आंसर है। और कॉन्सेप्ट कैसे लगाने समझ में आ रहा है? तो जितने पानी वाले क्वेश्चन है, पाइप में जब पानी निकलता है ना, उसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एरिया इनटू वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो लगता ही लगता है, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है? डाउट है? क्लियर है? तो कैसे यूज करना है किसी टर्म को, ये बार 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 सुन सुन के अपने आप ठीक हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। सुन के भूल जाता है, टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट में डालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेस्ट लेंगे बार 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 तो भी ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
जैसे ये एक क्वेश्चन मेंस वालों ने डाला था, अजीब क्वेश्चन है बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखो, वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, मुझे क्या निकालना है? वर्क डन कितने टाइम में? टी टाइम में, विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। कह रहे ये बॉडी एक रेस्ट से एक्सेलरेट करती है और कितनी स्पीड एक्वायर करती है? वी इन टाइम टी वन। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी, मुझे वर्क डन निकालना है, यानी कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन कितने समय में निकालनी है? इन टाइम टी। वो मुझे वेलोसिटी दे रहा है इन टाइम टी वन। तो कॉमन मिस्टेक, लोग क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, कहेंगे अच्छा वेलोसिटी तो गिवन ही है। आंसर आ गया, आंसर कैसे आ गया? क्योंकि वी वेलोसिटी कितने टाइम में एक्वायर हुई? टी वन, और हमें कितने टाइम में चाहिए? टी। तो यहां पर टी टाइम में वेलोसिटी सपोज कितनी होगी? वी डैश। तो नई लगान निकालनी पड़ेगी। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं आपको वी डैश बता दूं आंसर आ जाएगा। अब वी डैश वेलोसिटी कितने टाइम में निकालनी है? टी टाइम में। तो वी डैश इक्वल टू जीरो प्लस एटी, राइट। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं गिवन। एक्सेलेरेशन के लिए आपको ये गिवन है कि बॉडी टी वन टाइम में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है? वी। तो ये स्टेटमेंट ही इसलिए गिवन थी ताकि आप वी जीरो प्लस ए टी वन में क्या निकाल सको? एक्सेलेरेशन। इस एक्सेलेरेशन को आप यहां पे पुट कर दो कुछ ऐसे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का मतलब जीरो प्लस ए इंटू टी, टी टाइम में निकालनी है। और एक्सेलेरेशन के लिए वी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी वन, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी बाय टी वन को यहां पुट करके आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये तो है सीधा तरीका। अब जिस साल ये पेपर आया उन्होंने ऑप्शंस दी, ये पहली ऑप्शन थी ऑब्जेक्टिव में, दूसरी ऑप्शन थी एनर्जी की हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी वन, तीसरी ऑप्शन थी एनर्जी की हाफ इंटू एम वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी। ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है कि इसमें टाइम और टाइम के यूनिट कैंसिल ही नहीं हुए और आंसर जूल में चाहिए था, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, कैंसिल ही नहीं हुए, हो ही नहीं सकता। टी स्क्वायर के यूनिट्स कैंसिल, आंसर जूल में आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा बना कि जिसने ऑप्शन देख लिए उनको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, आंसर ही सिर्फ ये था, बात ही खत्म। तो रूल नंबर वन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसकी ऑप्शंस 101% देखें। जिनमें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 10, 15, 20, वो तो करना ही पड़ेगा, पर जिनमें ऐसे आधा आधा पेपर वेरिएबल में होता है ऐसा, तो जिनमें ऐसे ऑप्शंस हैं उनको तो ऑप्शंस गारंटी बोल सकता हूँ, आधे पेपर की ऑप्शन दो तो एलिमिनेट होती ही होती हैं, ज़्यादातर काफ़ी एलिमिनेशन हो जाती है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शंस देखना ज़रूर सीखें, ज़्यादा ना सही, दो तीन क्वेश्चन भी अगर ठीक हो गए फिजिक्स में और दो तीन केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन तो यार 40 नंबर तो फ्री के लेके घूम रहे हो, चाहिए कितने? 170, 180, 200 के करीब, बताओ। कुछ 2 साल पढ़ोगे भी तो कुछ आसान पेपर भी तो आएगा, तो हो जाएगा, क्या टेंशन है? ऑप्शन ज़रूर देखो। जैसे आज हम डाउट भी ले रहे थे, वो देखा था मैंने ऑप्शन, मैंने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, ऑप्शन में ए टी स्क्वायर ए बी दिख ही रहा था ऑप्शन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके वैसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है जी। और बस आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की नीले रंग की किताब का क्वेश्चन है, ठीक है? अगर किसी टीचर को पेपर बनाना है कि भाई इस देखता हूँ जरा इस बच्चे को, यार ये कैसे वर्क पर एनर्जी करके आता है, उसको कुछ नहीं सूझेगा टीचर को, वो उठा के ये कोयले वाला क्वेश्चन डालेगा, कोल वाला, वो कहेगा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जी, ठीक है कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा टीचर आपके स्कूल में क्या डालेगा। क्वेश्चन देखो कितना सही है। 1,00,000 किलो का इंजन है, इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री। ग्रेडियंट का मतलब एंगल इंक्लाइन प्लेन का होता है, वैसे एंगल 5 डिग्री गिवन नहीं होते, 30 डिग्री 45 डिग्री फॉर्म में आंसर आता है, एंगल को छोड़ो,
एंगल गिवन है इंक्लाइन प्लेन का एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आर. लो बताओ, उधर से मीटर उधर से आर, चलो सही कर लेंगे. इंजन ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन गिवन है, एफिशिएंसी इंजन की 4% है. लो बताओ एफिशिएंसी की भी कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, मतलब फोर्स फ्रिक्शन तो यही है, ऊपर से एफिशिएंसी भी है. 4% एफिशिएंसी का मतलब जितनी हमसे एनर्जी इनपुट लेता है 96% खराब करता है, सिर्फ 4 का ही काम करता है. ठीक हो गया यहाँ तक? बहुत बेकार एफिशिएंसी है. 100 रुपये का तेल 4 रुपये का काम करेगा, 96 खराब करेगा, तो क्या करेंगे उसका? चलो अच्छा इंजन नहीं है. तो फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, तो फाइंड अमाउंट ऑफ कोल द इंजन हैज टू बर्न इन 1 आवर. कह रहे कोयला खाता जा रहा है और ऊपर चढ़ता जा रहा है. अब कोयला का मतलब, कोयला लेने का मतलब बर्न करेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, और आउटपुट का मतलब इंजन ऊपर चढ़ेगा. तो वर्क डन इसमें आउटपुट है और इनपुट इसमें कोयले की एनर्जी है. सही है यहाँ तक? तो कह रहे कितना कोल लगेगा 1 घंटे में, और 1 kg कोल 50,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी निकालता है. छोड़ो क्वेश्चन को, आप बस ये बताओ इंक्लाइन प्लेन पे जब इंजन ऊपर चढ़ता है किसी फोर्स से ऊपर चढ़ेगा, एक्सेलेरेशन तो गिवन नहीं है, तो जब ऊपर चढ़ेगा एक फोर्स नीचे mg साइन थीटा और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मिनिमम फोर्स कितनी लगाएगा? mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इतनी फोर्स से ऊपर चढ़ेगा. सॉल्व कर लिया मैंने सारी वैल्यूज के साथ, आंसर आ गया. चलो फोर्स निकाल ली मैंने, वेलोसिटी हमें 100 मीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. फोर्स इनटू वेलोसिटी आपको क्या देगी? पावर. तो इंजन की पावर आपने निकाल ली, इतनी पावर से इंजन ऊपर चढ़ता जा रहा है. ना क्यों निकाल ली? पावर इसलिए निकाल ली क्योंकि मैं इंजन का वर्क डन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि जो पावर है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम. आपको 1 घंटे का टाइम गिवन है, पावर आपने निकाल ली, तो इंजन का क्या आ जाएगा? वर्क डन. तो देखो 1 घंटे में वर्क डन क्या है? पावर इनटू टाइम, इतना काम इंजन करेगा. ये इसका आउटपुट वर्क डन है, सच में काम करेगा इतना, तो काम करेगा. अब एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट कोयले की एनर्जी इनटू 100. एफिशिएंसी मुझे गिवन है 4%, आउटपुट वर्क डन मैंने निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनपुट एनर्जी आ जाएगी. ये रही इनपुट एनर्जी, किसने दी? कोल ने दी. इनपुट एनर्जी किसने दी? कोल ने दी. यहाँ तक क्लियर है? तो कोल ने इतनी एनर्जी दी. अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 50,000 जूल एनर्जी रिलीज होती है जब कोल कितना बर्न होता है? 1 kg. 1 जूल में इतने kg, और इतना एनर्जी कब आएगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा. वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, और क्योंकि NCERT का है इसलिए बता दिया, वैसे आने का चांस रेयर है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रिवाइज करें, स्टेप्स को देखें, पर आपके SCL के अंदर ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता दूं. तो अब रूल नंबर 1, आपने 12:15 बजे आके यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, राइट? प्रैक्टिस करनी है, और मैं होमवर्क दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव शीट का, ऑब्जेक्टिव शीट का होमवर्क दे रहा हूँ. एक सेकेंड. इन ऑब्जेक्टिव 2 शीट्स में से आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने, कौन से करने हैं? मैंने दूसरे बैच में बोर्ड पे लिखे थे, मैंने उसकी फ़ोटो बच्चों को आता खींच लें, मेरे को आ गई है. मैं वो ना फोटोग्राफ आपको ग्रुप पे डाल रहा हूँ, बस उसमें जो नंबरिंग लिखी होगी वो आपने ट्राई करने हैं, बस वही ट्राई करके आने हैं, बाकी मत करना. क्लियर है होमवर्क?